नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम पीस वाले कपड़े की कटिंग करने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज दोस्तों लाइक करना एंड शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखिए कपड़े को इस तरीके से डबल में फोल्ड कर देंगे। उसके बाद हम कपड़े की लंबाई लेंगे 13.5 इंच। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम गला लेंगे। तो गला हम यहाँ से देखिए 2.5 इंच लेंगे, शोल्डर 3 इंच लेंगे, आर्म होल की लंबाई 5.5 इंच लेंगे। यहाँ से हम 4.5 इंच आ रहा है तो हम 4.5 इंच पूरा ले लेंगे। इस साइड से हम 1/2 इंच जितना मार्किंग करेंगे और यहाँ से हम आर्म होल की तरीके से गोलाई दे देंगे। तो देखिए, हमने ये आर्म होल की गोलाई दे दी है। यहाँ से हम 8.5 इंच गले की लंबाई लेंगे। ये हम बैक साइड का गला बनाएंगे। गोल गले की मार्किंग कर दी है। इस साइड से 3.5 इंच पे मार्किंग करेंगे हम। ये तो हमारा टक्स का मार्किंग हम कर रहे हैं। हमारा 3 इंच पे टक्स रहेगा, टक्स की लंबाई रहेगी 3 इंच। तो देखिए, हमने ये टक्स का मार्किंग कर दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये बैक साइड का मार्किंग और कटिंग कर दिया। अब हम फ्रंट साइड का मार्किंग करेंगे और कटिंग करेंगे। फ्रेंड्स, हम यहाँ से लगभग 2 इंच पे फिटिंग करेंगे। तो हम यहाँ पे फिटिंग का एक मार्किंग करेंगे। देखिए, ये हमारा फिटिंग का निशान है, ये हमारा मार्किंग हो चुका है। तो फ्रेंड्स, हमने ये बैक साइड का मार्किंग और कटिंग कर दिया। अब हम फ्रंट साइड का मार्किंग और कटिंग करेंगे। शोल्डर रहेगा 3 इंच, आर्म होल रहेगा 5.5 इंच, हमारा चेस्ट रहेगा 40 इंच। 40 का हम चौथाई भाग लेंगे तो हमारा ये 10 इंच आएगा। हम यहाँ पे 10 इंच पे मार्किंग करेंगे। ये हमारा अंदर की तरफ मार्किंग हो जाएगा, इतना हमारा चेस्ट हो जाएगा और हम यहाँ से यहाँ तक मार्किंग करेंगे है। इसे ले लेंगे फिटिंग के लिए। यहाँ से हम 1 इंच पे मार्किंग करेंगे और इसे इस तरीके से गोलाई दे देंगे। ये हमारा आर्म होल का मार्किंग हो गया। फ्रेंड्स, हम गला लेंगे 6 इंच। तो फ्रेंड्स, अब हम फ्रंट साइड का मार्किंग करेंगे। तो देखिए, हमने ये गले का मार्किंग कर दिया और ये हमारा आर्म होल है। अब हम यहाँ से 12 इंच पे टक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे। तो देखिए, हमारा यहाँ पे 12 इंच आ जाएगा। इस गले के नीचे से यहाँ पे 5.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और इस साइड से हम यहाँ पे 6.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। अब हम सभी को मिला देंगे। तो देखिए, हमें इस तरीके से इसे मिला देना है। मिला दिया। अब हम नीचे बेल्ट की मार्किंग करेंगे। तो देखिए, हम इस साइड से 3.5 इंच लेंगे और इस साइड से 3 इंच लेंगे। अब हम इसे मिला देंगे। मार्किंग कर दिया। अब हम इसमें टक्स का मार्किंग करेंगे। चारों टक्स इसमें बना दिया और देखिए कितना परफेक्ट हमारा टक्स का मार्किंग हुआ है। तो हम अब इसकी भी कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम इसमें कुछ एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे नीचे की तरफ मोड़ने के लिए। तो हम यहाँ पे 1.5 इंच जितना एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे। तो देखिए, हम यहाँ से कटिंग करेंगे इसे।
तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा फ्रंट साइड का ऊपर वाला भाग हो गया और ये बेल्ट हो गया। ये कुछ इस तरीके से हम सिलाई करने के टाइम अंदर की तरफ मोड़ देंगे तो ये हमारा इस तरीके से ज्वाइंट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसे हम हटा देते हैं। अब हम बाहीं की मार्किंग करेंगे। तो देखिए, हमें इस तरीके से कपड़े को पहले फोल्ड करना होता है, उसके बाद हम इसे एक बार इस तरीके से और फोल्ड करेंगे। तो देखिए, हमने फोल्ड कर दिया। अब हम इसमें बाहीं की मार्किंग करेंगे। हम यहाँ पे 5.5 इंच पे बाहीं की लंबाई लेंगे और इस साइड से हम 3 इंच लेंगे और फिर इस तरीके से हम देखिए यहाँ पे मार्किंग करेंगे यहाँ से और इस तरीके से मिला देंगे तो ये हमारा बाहीं हो गया और ये हमारा स्लीव तैयार है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा कटिंग कंप्लीट हो चुका है। हमने आपको ब्लाउज को अच्छे से कटिंग करना, मार्किंग करना सिखा दिया। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारा बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है, ऊपर वाला फ्रंट साइड, और ये बेल्ट है और ये दोनों बाही है हमारा। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो हमारा थोड़ा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।